ये देखिए, ये दो चार का है, इसमें ग्रीन है, रेड है, मैरून है। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चे चले गए स्कूल, अभी मैं अपना काम शुरू की हूँ, बैंगल्स रेडी कर रही हूँ और लंच भी रेडी कर रही हूँ। और मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए। इसको ओपन की हूँ, इसको खोल दी इसकी गीत मैंने। अभी हम इसको चेक कर करके बॉक्स में रखेंगे, इसमें कुछ फूटी है नहीं है, देख देख के फिर मैं बॉक्स में रखूंगी। ताकि वक्त नहीं लगता है, इजी हो जाता है। शॉप पे रेड ग्रीन आए, हाँ ये ले लीजिए, क्यों मैं नहीं रहे तो मेरे शोहर भी रहे तो उठा के दे सकते। ये खोलो, फिर वहाँ थोड़ा टाइम लगता है दुकान में, इसके लिए मैं इस तरह से अपनी शॉप को अरेंज कर लेती हूँ। जो टूटी बैंगल्स है मैं उसको घर में ही चेक करके निकाल लेती हूँ, वहाँ पर खाली गिन के एक एक डजन दे देने का। मैंने इस तरह से रख ली, अभी यहाँ पर दो चार के कोई दूसरे होंगे तो वही रखूँगी। ये देखिए ये पूरे दो चार हो गए, अभी मैं ये बॉक्स पे लिख दूँगी कि इसमें दो चार है। ये रह गया है, इसमें सामान कम पड़ गया है अभी ये बनने के लिए। तो अभी इसके लिए सामान, इसका बुश ख़त्म हो गया जो लगाने के इधर, तो अभी वो लेके आऊँगी, टिफ़िन देते देते वो सब ले लूँगी। और ये दो डब्बे भी रेडी करके फिर इसमें भी पूरे बैंगल्स रख देंगे। ये देखिए बैंगल्स अरेंज करते करते मेरा पास्ता भी रेडी हो गया है, पास्ता भी रेडी की हूँ और बैंगल्स भी अरेंज कर रही हूँ। अभी टिफ़िन रेडी कर रही हूँ, बच्चे लोग को टिफ़िन दे के फिर मैं कुछ बाहर से सामान लेना। तो मैं और जैनब जा रहे हैं बच्चों का लंच लेकर, अभी हम लोग बच्चों को लंच देंगे, फिर थोड़ा सा काम है बाहर, बाहर का काम पूरा करके हम लोग घर पे आएंगे। घर पे आने के बाद फिर से हमारा काम शुरू करेंगे, जो बैंगल्स का हम लोग सुबह से कर रहे हैं वो बैंगल्स अलग अलग करना है, और पूरे जितने भी हमारे पास ग्रीन रेड बैंगल्स है उसको पूरा अलग करना है। ये बच्चों की स्कूल आ गई और अभी बच्चों को लंच दे के फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना काम। ये है बच्चों की स्कूल, दे दिए लंच बैग, अभी यहाँ से हम निकलेंगे सुल्तान पाल्या के लिए। ये भी हम लोग जाएंगे, ये है सुल्तान पाल्या रोड, यहाँ से काम हो गया, अभी हम निकल रहे हैं वापस। और ये कोने में है देखो, ये व्हाइट जो दिख रहा है कबर्ड, ये है मेरा शॉप, अभी बंद है, मैं अभी तीन के बाद ही ओपन करूंगी। हम आ गए हैं दुकान पे, अभी जो हमको बुश कम पड़े थे वो ले लेंगे और जाके घर में हम बैंगल्स बॉक्स रेडी करेंगे। अभी गोश्त धो रही हूँ, चावल भिगने डाली उधर, अभी गोश्त निकला के बिरयानी बनाऊंगी। आज वैसे भी बहुत लेट हो गया है, आज सुबह उठी बैंगल्स का भी करी, फिर बच्चे लोग को पास्ता बनाई टिफिन में, अभी खाना बनाऊंगी जल्दी, 3 बजने आ रहे हैं, फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, इसके लिए आज जल्दी जल्दी फटाफट करना है। अभी इसमें अदरक लहसुन डालती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, प्याज तो पहले धोने के टाइम पे डाल दी मैंने। अभी नमक डालूंगी, इसको हिला लेंगे और इसको अभी गैस पे रख देती हूँ गलने के लिए गोश्त को, जब तक मसाला जोड़ती हूँ। मुझे पकाने लेट हो रहा था तो जैनब इन लोगों की क्लास छूट गई, जैनब जाकर इन लोगों को ले स्कूल से। ये है मेरा बेटा जैब और वो है रयान और जीना, तीनों को भी जैनब लेकर आई है। बच्चे आ गए स्कूल से, अभी आ गए बच्चे, सलाम अलैकुम। हरी मिर्ची गरम मसाला डाल दूंगी, नमक डालूंगी पानी में, ये है अदर चावल का, अभी इसमें पुदीना तोड़ के डालूंगी।
प्याज कट कर ली, टमाटर भी कट हो गए, ऑयल गरम हो गया है। प्याज डाल रही हूँ, प्याज डाल रही हूँ, हमने चावल में नमक डाली के अदरक लहसुन डाल के इसको अच्छा भून ली मैं अदरक लहसुन को मसाले के अंदर तेल के अंदर। फिर इसके बाद मैं डालूंगी टमाटर, इसको अच्छा लाल करेंगे, इसमें अच्छा खुशबू आना चाहिए। टमाटर ऐड कर रही हूँ मैं, इसमें टमाटर डालूंगी, टमाटर डाल के इसको अच्छा भूनूंगी। अभी टमाटर सॉफ्ट होने तक मैं डालूंगी नमक, नमक थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मैंने गोश्त में भी डाली हूँ। हल्दी और ये मेरे पास मिक्स मिर्ची है जो हाथ से कूटे है घर में हम लोग ने बनाया, इसमें गरम मसाला भी है, इसमें पूरे गरम मसाले हैं, धनिया है, पूरा मिक्स मिर्ची है ये, तो मैं इसको 1.5 चम्मच डालूंगी। इसे हम ये पूरा निकाल लेंगे, पुदीना, गरम मसाला, तेज पत्ता, हरी मिर्ची जो भी है इससे हम निकाल लेंगे, इसमें फिर चावल डालेंगे, काली मिरी, फिर मेरे बच्चों के मुंह में आएगी तो मेरे बच्चे खाते नहीं है। कोलम राइस की कमी है ये, इससे ही मैं बिरयानी बनाती हूँ। अभी मसाला मेरा भून रहा है, अभी मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करूँगी। इसके अंदर मैंने गोश्त रखी है, अभी इसको अच्छा भूनूंगी, फिर जब तक चावल मेरा पकने लगता है, फिर चावल गर्म होगा तो इसमें मिक्स कर दूंगी। और चेक कर लेती हूँ मिर्ची सब बराबर है क्या। इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, इसमें दही भी आएगा तो खट्टापन आ जाएगा। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी दही, दही डालते इसको अच्छा मिक्स करना, नहीं तो दही फट जाएगा। चावल हो गए थोड़े, अभी मैं इसको निथार के इसके ऊपर डालूंगी अखनी के ऊपर, कलर अभी इसके बाद ऊपर आएगा, डालूंगी ना तो ये पकड़ लेता ना इसको इसमें जो मसाले में, इसके लिए थोड़ा ऐसा डालती, थोड़ा कम पकेगा, आधा कच्चा, फिर बाद में चावल मैंने 1.25 किलो ली, गोश्त मैंने 1 किलो ली। अभी मैं ये दुकान पे लेके जाना है, मैंने पूरे बंगड़ा देखो अरेंज कर ली, बॉक्स बन गए। ये बॉक्स तो मुझे आते हैं, जब मैं सामान लेती तो उसमें मुझे बॉक्स मिलते हैं, तो मैंने उसके लिए इसको बना ली, वरना एक बॉक्स 250 रुपीज बता रहा है मार्केट में, उसके लिए मैंने मैं खुद बना लेती हूँ। ये देखिए ये खाली बॉक्स है, अभी दुकान पे तिल्ले के बंगड़ी इसमें रखूँगी। और ये अभी यहाँ देखिए ये सब मेरी दुकान पे पहुँचाना है, ये अभी सब लेके जा रही हूँ दुकान पे रखने, अभी बच्चे लोग को खाना दे के अभी मैं दुकान पे जाऊँगी, बच्चे अभी चले जाएंगे। गई है, अभी मैं बंद कर दे रही हूँ पकने की बिरयानी। ये बिरयानी रेडी हो गई, बिस्मिल्लाह बोल के खा रही हूँ, बच्चे तो चले गए अरबी, अभी मैं खा रही हूँ। जैनब के अब्बा खाना खाने आ गए, खाना खा रहे हैं। कैसी लगी जैनब के अब्बा बिरयानी? बहुत
माशाल्लाह। इसका आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।